फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की शुरुआत होती है ब्रश करने से, और सुबह सुबह हो गया मेरा पोपट क्योंकि हमारा पेस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने देसी जुगाड़ लगा के पेस्ट का इंतज़ाम कर लिया और मेरा तो काम हो गया। मतलब सुबह सुबह इसका टेंशन ख़त्म हो गया। तो मैं सुबह 6 से 7 के बीच में मतलब हमेशा ही उठती हूँ, मेरा यही टाइम है सुबह उठने का। तो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं अपना स्लीपिंग टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। तो मेरा ये टाइम होता है कि मैं सुबह 6 से 7 के बीच में उठती हूँ, तो मैं रात को टाइम से सो जाती हूँ। ऐसे दिल्ली में जितना भी जल्दी कर लो, लेकिन पॉसिबल नहीं होता 12 बजे से पहले सोना। तो उस बीच में मैं रात को मैं स्टडी नहीं करती, मैं पूरी दिन स्टडी करती हूँ। वैसे मुझे रात को स्टडी करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है। मुझे सुबह उठ के लंच बनाना होता है, लंच पैक करना, तो ऐसा बहुत सी काम होती है। तो फिर मैंने ब्रश वगैरह करके सुबह सुबह आ गई थी छत पे, जो अभी धूप भी नहीं निकला था और बहुत ही अच्छा मौसम था। तो मैं सोची सारे सामान लेके आ गई कि यहीं पे स्टडी करते हैं। तो सुबह मैंने नाश्ते के साथ ही छत पे आ गई थी, थोड़ी देर में कुछ खा के पढ़ाई करूँगी। तो सुबह सुबह ओट्स बना लिए थे, वो भी बिना शुगर के, और उसमें मैंने ऐड कर लिए थे फ्रूट्स, क्योंकि जो एप्पल होते हैं ना थोड़ा मीठा होता है, तो ओट्स में चीनी की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने एप्पल और बनाना ऐड किया और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी सा मैंने ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद मैं अपना पढ़ाई को करूँगी यहीं पे कंटिन्यू 1-1.5 घंटा। छत पे क्या होता है ना कि अपनी जगह को जब आप चेंज कर करके पढ़ते हो ना, तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है पढ़ने में। तो इस तरीके से मैं छत पे सबसे पहले करंट अफेयर्स ही लेके आ गई थी। कितने सारे बुक लेके जाएंगे, इससे अच्छा है करंट अफेयर ले जाते हैं और ऊपर कर लेते हैं। मैंने काफ़ी देर स्टडी की, उसके बाद हल्की हल्की धूप भी आ गई थी छत पे। और अभी आपको पता है कि गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा देर छत पे नहीं बैठ सकते, लेकिन मतलब सुबह बहुत ही अच्छा वहाँ पे पढ़ाई हो गया। तो फिर मैं आ गई नीचे और अब थोड़ा चाय बना लेते हैं, थोड़ा चाय पी के फिर से बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो ये होता है ना कि मतलब मेरे पूरे दिन का शेड्यूल मतलब फिक्स है, कामों में बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए मैं दिन में ही अपना पढ़ाई करते रहती हूँ, बीच बीच में काम करते रहती हूँ। तो पूरे दिन जब आप पढ़ के शाम को सोने जाएंगे ना, तो इतनी थकान हो जाएगी कि आपको नींद बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं 6-8 घंटे की बहुत ही गहरी नींद लेती हूँ, फिर मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस तरीके से अपना मैं स्लीपिंग टाइम मैनेज करती हूँ। और दिन में भी कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे नींद आती है, बहुत ज़्यादा अगर नींद आती, थोड़े बहुत नींद आती है, जैसे चाय वाय पी लिए या फिर मैं मतलब मुंह होकर धो लिए तो नींद चली गई तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा नींद आती है तो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, फिर मैं थोड़ी देर के लिए नींद ले लेती हूँ। क्योंकि ये जो होता है ना कि मतलब आप डिस्टर्ब हो के पढ़े, उससे अच्छा है कि आप आधे घंटे का नींद ले लें, माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, फिर आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू और बहुत ही अच्छे से करें। तो ये हो गया मेरा मतलब सोने का जो टाइम है, इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो अब मैं आ गई थी अपने टेबल पे और मैं प्री का जो है ना क्वेश्चन कर रही हूँ। ये मेरे पास मुनराल सर का बुक है जो बहुत ही अच्छा है, मैं इसी से करती हूँ प्री का सारा क्वेश्चन, मैं इसी से एक चैप्टर इससे कंप्लीट ऐसे कर लेती हूँ। तो यार बैकग्राउंड पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, दिल्ली एक ऐसा जगह है ना कि यहाँ पे पूरी रात भी मतलब
गाड़ी चलती रहती है। मैं कभी कभी मतलब वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए 2 बजे तक जगती हूँ, तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि मैं पढ़ाई करके इतनी लेट जगूँ। तो आज मैंने थोड़ा जल्दी से ना अपने वॉइस रिकॉर्ड करना सोचा कि जल्दी से कर लूँ, ताकि मेरा ये हो जाए ना कि मैं फ्री हो जाऊँगी। तो अभी इतनी गाड़ी की आवाज़ आ रही है ना, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ सॉरी इसके लिए, आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना। तो फिर पढ़ने के बाद हल्की भूख लग रही थी, तो मैंने बॉयल अंडा किया हुआ था, तो मैं थोड़ा बॉयल अंडे को लेके और इसको अपने टेबल पे चली जाती हूँ, वहीं पे थोड़ा सा खाऊंगी और फिर जल्दी से अपने पढ़ाई को करते हैं कंटिन्यू। क्योंकि मतलब आज मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ, मैं बीच बीच में उठती हूँ और मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि खुद को आप जब इतने बिजी रखेंगे ना, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ और करने का। फिर दोपहर के लंच के लिए मैं आ गई थी किचन में और मैंने बनाया मिक्स वेज बिरयानी। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है और बहुत जल्दी से बन जाता है, तो मैं बीच बीच में ना इसी को बना लिया करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जितना मतलब जल्दी से कुछ बन जाए वैसा डिश बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने सारे सब्जी को अच्छे से मिक्स करके बना लिए थे, तो इस तरीके से मैंने अपने दोपहर के लंच बनाए। और आप लोगों का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, नाम क्या है, मतलब इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैं सोच रही कि इस पे आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन ब्लॉग डालूँगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी सोच रही हूँ कब से कि आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन ब्लॉग डालूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जब तक मैं इंट्रोडक्शन नहीं कराऊँगी तब तक मैं चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूँगी, जिसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ पे रहती हूँ, या ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा लंच अभी डन होने वाला है और उसके बाद ये ग्रोसरी से सामान आ गया था, जो मेरा ऑनलाइन कुछ सामान आते हैं, तो इस तरीके से सारे ग्रोसरी से सामान आ गया था। तो इसको मैं सबसे पहले जगह पे सेट कर लेती हूँ, उसके बाद से चलूँगी फिर से अपने स्टडी टेबल पर। तो अब आ गए हैं पढ़ने के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसे का टॉपिक उठाऊँ और उसका आंसर करूँ। तो यहाँ पर मैंने रखा है मदर टेरेसा का जो नोबेल बुक होते हैं ना, और एक शिखर महिलाएं, जिसमें मतलब जितनी टॉप कैटेगरी के महिलाएं जो ने बहुत स्ट्रगल करके बहुत ही बड़ी मुकाम पाई हैं। तो इस तरीके से मेरे पास दो बुक है, जब मैं खुद को डिमोटिवेट करती हूँ ना, तो इस बुक को पढ़ लेती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा मदर टेरेसा जी से ना मैं इंस्पायर्ड हूँ। उनकी मैं जब भी कहानी पढ़ती हूँ, उनके बारे में जब भी पढ़ती हूँ ना, मैं खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ। तो ये दोनों बुक मेरा फेवरेट है। फिर मैं आ गई अपना, चलते हैं जल्दी से एक ऐसे करते हैं। फिर शाम में मैंने स्नैक्स में लिए थे ब्रेड और चाय। उसके बाद से फिर आ गए थे किचन में, थोड़ी सी काम थी जैसे कि अंडे वगैरह अभी मार्केट से आया हुआ था, तो मैं इसको जल्दी से अपने फ्रिज में सेट कर देती हूँ, वरना इधर उधर होने से क्या होगा ना कि टूट जाएगा। तो जो चीज़ें हैं ना, जहाँ जिस जगह पे लगनी चाहिए उसको वहाँ पे रखना बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से जब आप खुद को बिज़ी रखेंगे ना अपने पढ़ाई के लिए, तो आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, क्योंकि आपको टेंशन रहेगा कि मुझे पढ़ना है, तो अपना काम जल्दी से करके आप अपने टेबल पर आ जाएंगे। तो इसलिए मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, तो मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, बस काम और पढ़ाई, काम और पढ़ाई यही होता है। फिर से मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पे और अभी मैं कर लेती हूँ आंसर राइटिंग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बीच बीच में अगर आपको मतलब आपका
टॉपिक चल रहा है या आप बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब आप टॉपिक अभी चूज़ करके रखें, फिर भी जब भी टाइम मिले तो आप आंसर राइटिंग करें। इससे क्या होता है ना कि बहुत आपका जो स्किल है ना डेवलप होता है, और आपकी समझने की जो शक्ति है ना बहुत जल्दी बढ़ती है। तो इस तरीके से आज का मेरा ये ब्लॉग है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल रहता है तो मैं थोड़े बहुत चीज़ें कवर कर पाती हूँ आप लोगों के लिए, और शेयर करती हूँ कितनी, ताकि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मोटिवेट हो सके। अगर कोई भी एक पर्सन मेरे वीडियो से मोटिवेट होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज का यही ब्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।